बोला है? आरजेडी के नाम बताए, कौन प्रवक्ता बोला है? मृत्युंजय तिवारी। कहाँ से चले आते, बीजेपी के एजेंडे पर चलते हैं क्या आप लोग? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, मैं हूँ अभिषेक मिश्रा। तैयारियों की तस्वीर देख रहे हैं। आरजेडी का स्थापना दिवस समारोह है, रजत जयंती समारोह है, और जाहिर तौर पर उसकी तैयारियां बड़े पैमाने पर की गई है, क्योंकि आरजेडी का स्थापना दिवस समारोह इस बार अलग है। आरजेडी के हिस्से पहली बार ये खुशी आई है लंबे वक्त के बाद कि पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो, पार्टी के जो कर्ता धरता है, पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं लालू प्रसाद यादव, वो जेल से बाहर हैं, अस्पताल से बाहर हैं। तो जाहिर तौर पर तैयारियाँ बड़ी होनी थी, इसकी उम्मीद हम सबों को थी। इन तैयारियों को लेकर बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता कद्दावर नेता शक्ति सिंह यादव से। कुछ दूसरे राजनीतिक सवाल हैं जिन पर बात होगी, क्योंकि बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम बहुत बदल रहा है, और शक्ति सिंह यादव से जब बात होती है तो उन दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी बात होती है, लालच वही होता है। सबसे पहले तैयारियों पर बात करेंगे सर, ये जो हम देख रहे हैं इस तरह की तैयारी है, और क्या क्या तैयारी हो रही है? राष्ट्रीय दिख रहा है वो, और क्या होने वाला है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की रजत जयंती है, दल 25 वर्ष अपने कार्यकाल के पूरे किए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और दल के अभिभावक आदरणीय लालू प्रसाद जी की ने नीतियों से अपनी जो बुनियाद रखी थी राष्ट्रीय जनता दल के, जिन नीतियों पर सामाजिक सौहार्द, धर्मनिरपेक्षता, किसान, गांव, मजदूर, उससे हम लोगों ने कभी कंप्रोमाइज आदरणीय लालू प्रसाद जी ने नहीं की। कई उतार, कई चढ़ावे आई, लेकिन देश की जनता और बिहार की जनता ने आदरणीय लालू प्रसाद जी के प्रति अगाध प्रेम और प्यार देता रहा, और उस प्रेम से के वशीभूत हो करके आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कभी सत्ता की लालच में फिरके परस्त ताकतों के साथ पोस्टरों और बैनरों से पाट दिया गया है। लेकिन आरजेडी ने ये कहा था, आरजेडी की का आधिकारिक बयान है कि रामविलास पासवान की जयंती भी पार्टी की तरफ से मनाई जाएगी। निश्चित तौर पर सर, सवाल हमारा यह है कि जयंती मनाई जाएगी, और पहले जयंती मनाई जाएगी तब स्थापना दिवस समारोह शुरू होगा, लेकिन पोस्टरों बैनरों में रामविलास पासवान कहीं दिख नहीं रहे हैं, उनके जयंती समारोह। आप लोग हमको लगता है गलत दिशा में जा रहे हैं, ये सवाल अब गलत सवाल ही आपका गलत है। उनकी जयंती है तो पुष्प अर्पित होंगे, ये स्थापना दिवस है, ये अलग कार्यक्रम है, आप इसको मिला करके इसमें हम उनकी नेता, अरे भाई जयंती समारोह में स्थापना दिवस अलग है, जयंती उनका अलग है। तो पोस्टर क्यों लगाने की बात, कहाँ से चले आते, बीजेपी के एजेंडे पर चलते हैं क्या आप लोग? बीजेपी ने जो दल को तोड़ा, जदयू ने जो दल को तोड़ा, उससे एजेंडे पर चलते हैं क्या? आप पूछिए ना, बीजेपी लगाई है क्या घर में अपने पोस्टर लगाई? तो फिर ये सवाल कैसे, सवाल ये उठता है कि कोई भी नेता, आपने देखा है कि पुण्य तिथि की और जयंती के अथि लगती है, पोस्टर लगती है क्या? नहीं, हमने देखा है जयंती या पुण्य तिथि की पोस्टर लगती है, कोई कार्यक्रम हो रहे हैं क्या? हमने देखा है सर कि जयंती समारोह को लेकर पशुपति कुमार पारस की तरफ से पोस्टर लगाया गया। अरे पोस्टर वो लगाए उनके दल के हैं, हम लोगों ने तो साफ तौर कहा कि जो जिनका सामाजिक अवदान और योगदान रहा है, सामाजिक न्याय के प्रति, बदलाव के प्रति, सोशल एम्पावरमेंट के प्रति, वुमेन एम्पावरमेंट के प्रति, उनके अवदानों को हम नहीं भूल सकते। हम अनेक पुरखे ऐसे हैं जो कई दलों से हैं, लेकिन हमारे पुरखे हैं, वो आदर्श हैं, उनकी जयंतियाँ और पुण्य तिथियाँ मनाते हैं। एक आखिरी सवाल है सर, मदन सहनी जी और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू दोनों कल ही दिल्ली गए हैं, दोनों को लेकर आरजेडी का यह दावा रहा है, कांग्रेस का दावा रहा है कि दोनों महागठबंधन के संपर्क में हैं, खासकर मदन का है? कौन कहा है? बिल्कुल आरजेडी के कौन बोला है? आरजेडी के नाम बताए, कौन प्रवक्ता बोला है? मृत्युंजय तिवारी। उनसे पूछिए सवाल, अगर उन्होंने कहा कि उनके संपर्क में है जी, हमारे संपर्क की बात नहीं है। मैंने साफ शब्द में कहा, हमारे नेता ने कहा कि ये सरकार भ्रष्ट सरकार है, संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है नीतीश कुमार, एक गिरी हुई सरकार, तो गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। सवाल ये है, इस सवालों पर जाइए। तो चलिए, मृत्युंजय तिवारी के बयान को एक तरह से शक्ति सिंह यादव जी ने खारिज कर दिया है और कहा है कि उनसे पूछिए, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं। और जब हमने सवाल पूछा कि आखिर रामविलास पासवान की तस्वीर क्यों नहीं है, या फिर उनकी जयंती समारोह को लेकर अलग से कोई पोस्टर नहीं लगाया गया, इस पर भी भड़क गए। भड़कना लाजमी था, सवाल थोड़े तीखे थे, और ऐसे सवालों पर ऐसे ही तेवर की उम्मीद होती है, ऐसे ही रिएक्शन की उम्मीद होती है। सियासत को ऐसे सवाल शायद नहीं पछते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।